In the last lecture, we have find out the value of the circumferential stress. In this lecture, we just try to find out the value of the longitudinal stress. हमें longitudinal stress कैसे find out करनी काम करती है. इसका जो side view है वो मैंने यहाँ पे draw कर दिया है. ये internal dia है. ये thickness t वाला portion है. ये वाला. This is the thickness of the shell. Okay. This is internal dia. जो प्रेशर है वो इस डायरेक्शन से इस अंदर वाले पोर्शन के ऊपर लगेगा जिसका डाया बी है और कितने एरिया पे लगेगा प्रेशर वो है पाई बाय 4 डी स्क्वायर. तो उस प्रेशर से मैंने फोर्स की वैल्यू निकाली है. प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया. अब ये सिलेंडर यहां से टूटे ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ ना कुछ मुझे रेजिस्टिंग एरिया कंसिडर करना होगा. वो रेजिस्टिंग एरिया है ये वाला. यहां पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा. उस स्ट्रेस को कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. वो किसके बराबर होगी, वही फोर्स पर यूनिट एरिया. वो स्ट्रेस कितने एरिया पर प्रोड्यूस हो रही है. तो यहां से फोर्स निकाला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इनटू एरिया. ये भी फोर्स वो फोर्स दोनों सेम है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. मान लेते हैं ये दो है और ये एक है. तो फ्रॉम वन एंड टू सिग्मा एल इंटू ए वुड बी इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. Okay, now this is this area is this one, ये वाला area. तो area के लिए मुझे दो parameter चाहिए. Okay, तो अब वो वाला area कैसे निकलेगा. एक तो मेरे पास circumference है pi d और उसको अगर मैं thickness से multiply कर देता हूं तो वो area निकल आएगा. और यहां पे क्या है, pi by 4 d square. पाई को मैंने पाई से कैंसिल किया, डी को डी से कैंसिल किया और सिग्मा एल किसके बराबर आ गया, पी डी बाय 4 टी. सो दिस इज अ रिजल्ट फॉर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी होगी, पी डी बाय 4 टी. और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस कितनी थी, पी डी बाय 2 टी. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को, तो सर्कमफेरेंशियल longitudinal stress is half of circumferential stress or we can say circumferential stress is double the longitudinal stress. Thank you.